पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिमिटेड ओवर फॉर्मेट कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की आए दिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से तुलना होती है। बाबर आजम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम दोनों की तुलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हम दोनों अलग अलग तरह के बल्लेबाज हैं। मौजूदा समय में विराट कोहली को दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में गिना जाता है और बाबर आजम भी पिछले कुछ महीनों में अपनी बल्लेबाजी के दम पर काफी नाम कमा चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान के वनडे कप्तान चुने गए आजम वनडे रैंकिंग में तीसरे नंबर के बल्लेबाज हैं, जबकि कोहली नंबर एक है। हालांकि T20 रैंकिंग में आजम टॉप पर है जबकि कोहली 10वें नंबर पर है। वहीं टेस्ट रैंकिंग में कोहली दूसरे नंबर पर है जबकि आजम 5वें पायदान पर है। आजम ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी विराट कोहली के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, वो एक अलग तरह के खिलाड़ी हैं और मैं अलग तरह का हूँ। मेरा काम अपनी टीम के लिए मैच जिताना है और मैं इस पर ध्यान दूंगा, तुलना नहीं। अपनी कप्तानी के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मैदान पर अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कप्तान के तौर पर आपको शांत रहने की जरूरत है, आपको गुस्सा आएगा लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा। मैदान पर आपको अपनी आक्रामकता को बस में करने की जरूरत है। खिलाड़ियों का समर्थन करूंगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाऊंगा। लेकिन जब कश्मीर मुद्दे पर शाहिद अफरीदी द्वारा दिए गए बयान पर टिप्पणी पर सवाल पूछा तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।